हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सुपर फास्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम पे डिलीट फोटो या रील्स वीडियो वापिस लाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते अपने फोन पे। सो यहाँ पे हम अपने फोन पे चले आए हैं। फोन पे आने के बाद जो है हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोटो या रील्स वीडियो जो है डिलीट हो गया है, आप डिलीट कर दिए अपने। अब उसको रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप अपने प्रोफाइल पे चले जाइए। प्रोफाइल पे आने के बाद जो है यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में थ्री लाइन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको योर एक्टिविटी का वो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपका योर एक्टिविटी जो है यहाँ पे खुल चुका है सेटिंग। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंटली डिलीटेड यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। आप जो भी वीडियो या फोटो डिलीट किए हैं वो यहाँ पे चला आया है। तो चलिए यहाँ से हम किसी को, हम एक को रिकवर करना चाहते हैं तो हम जो है इसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आप इसको डिलीट कर सकते हैं या तो आप इसको, तो या आप यहां से इसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रीस्टोर कर लेते हैं। अब रीस्टोर करने के बाद जो है ये फोटो जो है हमारा इंस्टाग्राम पे आ गया है या नहीं, अब हम बैक चल दे जाते हैं। अब यहां पे हम देख लेते हैं, नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे। यहां पे हम काफी सारा नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद जो यहां पे आपको, यहां पे आप देख सकते हैं हमारा फोटो जो है यहां पे इसको हम डिलीट कर दिए हैं और यहां पे चला आया है। तो इस तरह से जो है आप अपने इंस्टाग्राम पे फोटो या रील्स वीडियो को रीस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।